7. Okay. Assignment number 7. कितने लोगों ने try की? Try की. कितने ने नहीं try की? कैसे आएगी? नहीं आएगी. गड़बड़ हो जाएगी. ये याद रखना एक चीज, plus one की class ना, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार जब paper आएगा ना हफ्ता पहले या महीना पहले हम पढ़ लेंगे. मुश्किल है, नहीं होती. अगर आप ये कहोगे ना, बहुत parents कहते हैं, शुरू में तो कम पढ़ता था, end में तो पता नहीं क्या हुआ इसे, January, February के अंदर तो इसने क्या कमाली कर दी, 10th में result देखना. ये 10th तक ही चलता है. अभी ऐसा नहीं चलता. अभी तो आपने अब कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप ये लगाओ अगर competition से अगर आपने 4 महीने पहले भी शुरू कर दी तैयारी, 4 महीने पहले बोल रहा हूँ, आपका competition clear नहीं होता. Daily practice matter करेगी यहाँ पर, daily practice. अब कैसे सीखते हो? ये matter नहीं है, हमने कितने question कर लिए. Matter ये है कि आपको concept बिल्कुल एकदम clear दिख रहा है. बस उसको apply करना आपको clear आना चाहिए, आपका paper रुक नहीं सकता. पर अगर आप याद कर रहे हो, चलो इस question में ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा लूँगा, उसमें ये लगा, फिर नहीं होता. आप concept सीखें और practice तो जरूर करें. बिना practice के तो आज तक कोई select हो ही नहीं पाया. जितना मर्जी IQ लेके पैदा हो जाए, मैं बता रहा हूँ, plus one, plus two में बिना पढ़े तो clear हो नहीं सकता. ये मैं आपको बता दूँ, बहुत intelligent देखे और बहुत intelligent से intelligent, super intelligent देखे, जो orally ऐसे आप तो फिर पता नहीं, एक दो pen, वो तो pen को हाथ भी नहीं लगाते, एक मिनट में answer आ जाते हैं. उनका भी कुछ नहीं हुआ अगर वो regular नहीं पढ़ेंगे. बहुत देखे और जो regular पढ़ रहे, चाहे एक average student है लेकिन daily practice कर रहे, वो बच्चा फिर भी कुछ ना कुछ end करेगा अच्छा. क्योंकि course बड़ा है ना, तो अगर आप assignments time पे नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको संभालना. ठीक है, तो please जो भी assignment थे उसको homework जरूर करके आएं. तो assignment number 7, question number 1 में doubt. Okay, question number 1 में देखो, suppose करो A point से कोई car चलती है, वापस घूम के A पे आती है, R radius given है. तो let us suppose कुछ journey का part बता रहा है, जैसे AB, मान लो A से लेके B तक जा रहे हैं. कोई मुझे बताएगा A से लेके B तक जो distance होगा वो क्या होगा? 2 pi r by 4. क्यों? Distance का मतलब length. AB की जो length होगी इसका arc होगा. Total distance क्या होता है circle का? 2 pi r. और ये 1/4 सिर्फ sector है, तो क्या आएगा distance? क्या आएगा? 2 pi r by 4. और अगर मैं कहूँगा displacement निकालो, displacement क्या होता है? shortest डिस्टेंस. तो लाइन ज्वाइन कर दो ए और बी, तो ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ आर. पाइथागोरस लगा देना, रूट टू आर इज द आंसर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? आंसर्स वो पूरे, वो पूरे आंसर्स नहीं है, उसको आंसर को मत देखो, मैं कर रहा हूँ सॉल्व. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल रहा हूँ, जो मर्जी निकाल लेना, आंसर को मत देखो. ये समझ में आ गया? अब जैसे ए से सी पे आ रहे हैं, ए से सी पे ये डिस्टेंस कितना है? 2 pi r/2, तो 2 pi r/2. और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से सी? कितनी? 2 r, तो 2 r. जब मैं ए से डी पे आऊंगा तो ये 3/4 हो गया, तो 2 pi r into कितना? 3/4. लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो मैं ज्वाइन कर दूंगा ए डी, ज्वाइन करूंगा तो r और r का अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 r. और जब मैं ए से स्टार्ट होकर घूम के ए पे आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0. और डिस्टेंस क्या होगा? 2 pi r. तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आप लोगों को गूगल ड्राइव मिल गई थी, सॉल्यूशंस सबके ठीक ऐसे अपडेट होते जाएंगे, आप चेक भी कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट. फोर में डाउट. फोर में बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द जर्नी विद द स्पीड ऑफ यू. तो 1/3 का मतलब टोटल अगर एक्स है तो 1/3 का मतलब x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ यू, नेक्स्ट x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ वी, नेक्स्ट x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू. क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड.
एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री अपॉन टोटल टाइम। इस इंटरवल का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। इसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। इसका क्या होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। तो यहाँ से x बाई थ्री कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, x से x ये तो ऐड हो गया, x ही बन गया, x और x क्या हो गया कैंसल, कैंसल करके 3 ऊपर आ गया। तो आपके पास ये टर्म आ गई, LCM लिया u इंटू v इंटू w, तो ये LCM लेके ये टर्म आ गई, रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास आंसर आ गया। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम शीट में हमने किया था। तो कितनों का हो गया था? अच्छा ठीक है, आपने वो रिवाइज की होंगी शीट और फिर एक बार। ठीक, तो क्या है, अ बॉडी ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कवर्स हाफ, वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो वन हाफ का मतलब एक्स बाई टू विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट गिवन है। फिर वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एक्स बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। तो अगर ये जर्नी टी वन में है, ये जर्नी टी टू टाइम की है, तो पहला हाफ टाइम का मतलब टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन, अगला टी टू बाई टू कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू। तो ये क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगा, वी वन इंटू टी टू बाई टू, और ये डिस्टेंस क्या होगा, वी टू इंटू टी टू बाई टू। टू से टू से टू क्या हो गया कैंसल, यहाँ से क्या आ गया टी टू आ गया। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करके टी टू निकाल लिया, टी वन आपने वैसे ही निकाल लिया एक्स बाई टू बाई वी नॉट। तो अब आपके पास क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम में टी वन प्लस टी टू। तो टी वन ये रहा, टी वन और टी टू ये रहा, तो इस टी वन टी टू को यहाँ पुट कर दिया, टू नीचे चला गया टू वी नॉट, टू वी नॉट में यहाँ से x कॉमन आ गया, x और x कैंसिल, यहाँ से LCM लिया, ये LCM है, LCM लेके रेसिप्रोकली आंसर आ गया। स्टेप्स अगर चेक करने हैं गूगल ड्राइव पे असाइनमेंट है आपकी, आप चेक कर सकते हो, पर पॉइंट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो अंदर तो मैथ है, इसको मत देखो, ये फिजिक्स नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो ये ना बोलो फिजिक्स में दिक्कत है, बोलो मैथ के अलजेब्रा में दिक्कत है। फिजिक्स थोड़ी ना, ये फिजिक्स का काम तो खत्म हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बाकी तो आप जानो कि कैसे निकालते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, आंसर कैसे निकालते हो। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, तो शीट की प्रॉब्लम थी 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 9 में डाउट, 10 में डाउट, हमें तो ठीक है, क्या डाउट, टेंथ क्या और कोई, टेंथ बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ एस वन विद वेलोसिटी ऑफ वी वन, एस टू विद वी टू। तो क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालो ना यहाँ पे, एस वन बाई वी वन, एस टू बाई वी टू, लो एलसीएम आंसर, रेसिप्रोकल आंसर। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11 में क्या गिवन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इसमें a और b तो गिवन ही है आपको, 8.5 और 2.5, तो x बन गया। क्या निकालना है, व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 एंड 2, कौन सी वेलोसिटी, जब कोई मेंशन ही नहीं है तो कौन सी, इंस्टेंटेनियस। तो ये x की इक्वेशन लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, x को पूरे के पूरे को यहां पुट करो, इसको ओपन करो, d by dt ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d by dt ऑफ सेकंड टर्म, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, 2.5 इसकी 2t, 2t इंटू 2.5 इज 5t। तो ये वेलोसिटी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस 5t। हाँ, पहले डिफरेंस करनी पड़ेगी यहाँ तक, फिर वैल्यू पुट करनी है, पहले नहीं करनी। मैंने कब की पहले पुट, मैंने पुट, हाँ ए और बी, हाँ बाद में कर लेना, वो कोई चक्कर नहीं। तो वी की वैल्यू आ गई, तो इसमें टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे वी निकालना है, तो एक आंसर 0, और दूसरा टाइम 2 सेकंड पे निकालना है, तो एक आंसर 10 आंसर आ गया।
फिर वो क्या कह रहा है, इसमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टी टू माइनस टी वन। अब टी टू टी वन तो पता है फोर एन टू, एक्स टू एक्स वन निकालना है। ये एक्स की वैल्यू थी ऊपर, इसमें अगर मैं यहाँ पर टाइम को टू पुट करूँगा तो एक्स वन आएगा, फोर पुट करूँगा तो एक्स टू आएगा। ये देखो, टू पुट करूँगा तो एक्स वन आएगा, फोर पुट करूँगा तो एक्स टू आएगा। इस एक्स वन एक्स टू को यहाँ पुट करूँगा, टाइम मुझे गिवन है, डिवाइड करके क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर से एवरेज वेलोसिटी में कभी कैलकुलस यूज ही नहीं होता, एवरेज में तो एक्स टू में एक्स वन होता है और इंस्टेंटेनियस में डी एक्स बाय डी टी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, 13 में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सलेशन जब टाइम जीरो है। एक काम करो, एक्स को एक्स के अंदर टाइम को पहले जीरो पुट कर दो, एक्स आ गया, ये पोजीशन आ गई, फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके ये वेलोसिटी आएगी, इस वेलोसिटी में अब टाइम को जीरो पुट करो तो वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस आ गई। ये भी क्लियर है? फिर क्या निकालना है, एक्सलेशन, तो एक्सलेशन में जो वेलोसिटी आई थी इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ गई, एक्सलेशन विच इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, टाइम से डिपेंडेंट है ही नहीं, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और डिफरेंशिएशन के स्टेप्स तो प्रॉब्लम नहीं ना कोई, डिफरेंशिएशन के स्टेप्स हो जाएंगे, समझ में आ रहे हैं? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसमें ये भी गिवन है अगला पार्ट कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो, व्हेन का मतलब टाइम बताओ। अब ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो पुट कर दो तो क्या आएगा, टाइम आएगा, आंसर आ गया टाइम का। फिर वो ये पूछ रहा है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। हाँ, एक्सेलेरेशन तो इसमें कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, 14 आपको इसमें वी गिवन है, आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वी टू माइनस वी वन कब, जब टाइम टू और फोर है, जब टाइम को टू पुट करोगे, यहाँ पे टू पुट करके वी वन निकाल लो, टाइम को यहाँ पर फोर पुट करो, सॉल्व करके वी टू निकाल लो, वी टू माइनस वी वन निकाल लो। फिर अगला पार्ट है एवरेज एक्सेलेरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी तो आ गई वी टू माइनस वी वन और टोटल टाइम पता है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो आप एक काम करो, ये वी है ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, ये ए आ गया, उसने कहा टाइम 4 सेकंड पे निकालो, एंड में टी को 4 पुट करके आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, डाउट छोड़ो तो मैं डिस्कस ही करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलेरेशन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2, कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल, कब, जब टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितनी है, 2 है, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। मुझे ये सब छोड़ो, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं जो हमने इंटीग्रेशन में किया था, कि अगर आपको एक्सेलेरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकाल लो, तो पहला स्टेप क्या होगा, एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, डीवी बाय डीटी। किया था, रिकॉर्डिंग में सुन ली होगी, और जो क्लास में जिन्होंने जो है अटेंड किया है सबको पता है, एक्सेलेरेशन डीवी बाय डीटी, डीटी को राइट पे ले गए, डीवी और डीटी का रिलेशन आ गया, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी आएगा, तो दोनों तरफ क्या कर दी, इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप खुद लिमिट लगाएंगे, नहीं तो नॉर्मली लिमिट्स मैं लगा के देता हूँ। अब लिमिट कैसे लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आ गई इन स्मॉल टाइम डीटी। तो अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो लिमिट टाइम की लगेगी,
अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट वेलोसिटी की लगेगी, अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होती तो लिमिट x की लगती, dq होती तो q की लगती। तो जिसका भी वेरिएबल है t, टाइम की लिमिट लगेगी, v है तो v की लिमिट लगेगी। कैसे? हम बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक्चुअल में होता है लोअर लिमिट आपको बताती है इनिशियल सिचुएशन, अपर आपको बताती है फाइनल सिचुएशन। जैसे टाइम इनिशियली कितना है, जीरो, फाइनल टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो ये गाड़ी कितनी देर तक चली, 2 सेकेंड तक। तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। अब यहां पर वेलोसिटी की सिचुएशन देखें, वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, 2। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल कितनी है, 2, फाइनल निकालनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनिशियल लिमिट नीचे की लिमिट बताती है इनिशियल सिचुएशन। तो इनिशियली टाइम 0 था और टाइम 2 तक गाड़ी रन करती है। इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, 2, और फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। बाकी अब आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म और इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। इसको ब्रेक करेंगे, 3 बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी क्यूब बाई 3, इसकी टी स्क्वायर बाई 2, 1 डी टी की टी लिमिट्स के साथ एज इट इज, और 1 डी वी की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी लिमिट के साथ एज इट इज। एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार टी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करके 2 को राइट साइड पे ले जाना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। तो इंटीग्रेशन के स्टेप तो आप ही को करने हैं, बिना लिमिट के करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। बिना लिमिट के मत करें, लिमिट्स लगाने की आदत डालें, क्योंकि हम, और अगर लिमिट्स में प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं, हमने पूरे साल 100 बार लिमिट लगानी होगी, 100 क्वेश्चंस में, मतलब ही नहीं लिमिट लगानी। आज तक किसी बच्चे ने कहा ही नहीं लिमिट लगानी नहीं आई, अंदर से आएगी लिमिट लगानी कुछ दिनों में। तो बता दिया मैंने, इनिशियल फाइनल करते जाओ, लिमिट अपने आप लगती जाएगी, लिमिट्स की आदत डालो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, इंटीग्रेशन की थी हमने, कुछ मिस किया इंटीग्रेशन में, ओके सारा किया मैंने आपको इंटीग्रेशन में। ये सिखाया था कि अगर आपको एक्स गिवन है, डिफरेंशिएट करो वी आएगा, डिफरेंशिएट करो वी को ए आएगा। अब उल्टा चलें, ए को इंटीग्रेट करो वी आएगा, वी को इंटीग्रेट करो। तो कैसे करते थे, ए को डी वी बाई डी टी, राइट साइड पे डी टी, इंटीग्रेशन की कॉपी चेक करो, टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, ऐसा ये सेम क्वेश्चन है, याद आ गया, बस उसमें लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 16,